नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेखा बूटी के चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सलवार के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसकी कटिंग हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, तो सलवार सिलाने के लिए हमें कोई भी तरह का कपड़ा चाहिए, जैसे कॉटन, सिफॉन, पॉलिस्टर, टूवेड टू या टिप टॉप, हम कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पॉलिस्टर का कपड़ा लिया है और हमें सलवार सिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। 2 मीटर कपड़ा लेने के बाद हमें इस तरह से इसकी फोर फोल्ड घड़ी कर लेनी है। तो मैंने ये घड़ी पहले से कर ली है। यह इस बाजू हमारी पूरी फोल्ड घड़ी है और यहाँ हमारे 4 पल्ले निकले हुए हैं। इस तरह से फोल्डिंग है और यहाँ हमारी 4 पल्ले फोल्ड के घड़ी के कपड़े के खुले पल्ले हैं। तो इस तरह से हमारी ये घड़ी हमने डाल दी है। अब हम देखेंगे इसका नाप। तो हमें हमारा नाप जो है सलवार का, तो हमने यहाँ नाप लिया है। हमारी जो सलवार की लंबाई है 40 इंच और बॉटम जो है हमने लिया है 14 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी नाप के द्वारा हमें ये सलवार की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई लेने के लिए हमें चाहिए, एक हमारा फार्मूला होता है लंबाई लेने के लिए, हम लेते हैं जो हमारी लंबाई है 40 इंच, उसमें हम 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, 40 माइनस 8 हम 32 इंच पहले लेंगे। तो यहाँ मैंने 32 इंच पहले ले लिया है। 32 इंच हम लेंगे, यहाँ से लेंगे, नीचे से देख सकते हैं आप, 32 इंच मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है इस तरह से। और इस बाजू हमने 32 इंच से मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, सरल सीधी लाइन खींच लेनी है। ये अब इस तरह से तैयार होने के बाद जो ये खुले छुट्टे पदर होते हैं, फोर फोल्ड छुट्टे, ये हमारे बंद बाजू है। तो यहाँ लेना है हमें 8 या 8.5 इंच लेना है। तो मैं यहाँ लूँगी 8.5 इंच इस तरह से। 8.5 इंच लेने के बाद हमारा जो बॉटम है, अब नाप के अनुसार हमारा बॉटम है 14 इंच, तो उसका हम आधा लेंगे, 7 इंच। तो यहाँ लेंगे हम 7 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो हमने ये 7 इंच लिया है, ये इस तरह से हमें तिरछी रेखा में जोड़ देना है इस तरह से। आप चाहे तो इसे थोड़ा राउंड शेप दे सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ये हो गई हमारी सलवार। सलवार के हो गए हमारे नीचे के पैर। अब हमारा बॉटम निकालना बाकी है, तो अब हम इसकी कटाई कर लेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से। देख सकते हैं ये हमारे सलवार के 2 पार्ट रेडी हुए हैं। हमारा एक ये पार्ट, ये 4 फोल्ड खड़ी है इस तरह से। दोनों पैर हमारे रेडी है। अब हम लेंगे ऊपर का बॉटम। तो ऊपर का बॉटम लेने के लिए ये हमारा कपड़ा, देख सकते हैं हमें इसकी लंबाई चाहिए 8 इंच, हमने उससे माइनस किया था, तो इसकी लंबाई चाहिए हमें 9 या 9.5 चाहिए, बराबर 9.5 है। अब इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड घड़ी कर लेनी है। इस तरह से फोल्ड घड़ी हमारी इस तरह से। अभी जो हमारा 3 इंच का टुकड़ा है, ये हमें लगेगा जॉइंट। यहाँ कपड़ा कम है तो हम यहाँ जॉइंट लगा लेंगे। ये दोनों पार्ट को जॉइंट लगा देंगे, 3 और 3 इंच का। और यह हमारी लंबाई जो इतनी है, ये हमारे कमर के लिए ठीक ठाक है। ठीक है,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये आपने हमारे सलवार की कटिंग देख ली है। तो अब इसकी हम अगले वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।